तो बादल पत्रलेख को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हेमंत सोरेन सरकार में, क्या कुछ उन्होंने कहा है जिम्मेदारी को मिलने के बाद आपको सुनाते हैं। विभागों का बंटवारा हो चुका है, मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों को विभाग दे दिया है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड सरकार के नए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हैं, सीधे उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि अब प्राथमिकताएं उनकी क्या होगी। बादल जी, कृषि और किसानों की समस्या को लेकर आपने हाउस में भी कई मर्तबा सवाल उठाए थे, अब विभाग आपके पास है, किस तरह से कृषि के सेक्टर में झारखंड को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, जो चैलेंजेज हैं, जिस तरह का यहाँ का ज्योग्राफिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमें अपने विरासत में मिला है, उसको अध्ययन करते हुए यहाँ पर जो मौसम के अनुकूल फसलें हैं, टेक्नोलॉजी है, इन सब को लेकर एक नीति, एक सोच, एक शोध, सब कुछ करते हुए यहाँ के किसानों के खुशहाली के लिए ईमानदारी से प्रयास करूँगा। पिछली सरकार में इस विभाग में जो काम हुए हैं, उसमें क्या उसकी समीक्षा आप करेंगे या फिर जो कई योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाएंगे? जो अच्छे काम है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और जो कुछ उसमें गलती नज़र आएगी, गलतियों को जो ढूंढा जाएगा, तो उसको वहाँ से हटाने का भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन पहले हम पॉजिटिव सोचते हैं कि हर सरकार बदलती है, लेकिन कुछ नीतियाँ अच्छी भी होती है, उसको हम आगे ले जाते हैं। तो जितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को लाभ दे रही है, जिसमें करप्शन नहीं है, उन सब चीज़ों को यथावत आगे बढ़ाने का काम करें। बादल जी, किसानों की भूमिका आपके इस टेन्योर में क्या कुछ रहेगी, क्योंकि पिछली सरकार ने किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई, उनको विदेश तक भेजा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कैसे आप प्रयास करेंगे? बिल्कुल, किसानों का विश्वास जीतने के लिए, चूँकि एक मैं किसान परिवार से हूँ, किसान का बेटा हूँ, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, एहसास है, और युवा हूँ, तो जय जवान जय किसान। 2013 में आपने घर छोड़ा, विधायक बने, दूसरी बार चुन कर आए, अब मंत्री बन गए, घर कब जाएंगे? देखिए, मुझे जब ये एहसास होने लगेगा कि मैं अपने घर से बाहर हूँ, तो मैं घर जाऊंगा। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं अपने घर से बाहर हूँ। एक घर छूटा तो हजारों घर मिल गए। शुरू के दिनों में मैं बड़ी बड़ी घोषणाओं नहीं करके इनपुट देने का काम करूँगा, ताकि बेहतर झारखंड की जो कल्पना है वो आने वाले सालों में दिखे। ये थे राज्य के नए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुरानी सरकार की वैसी नीतियां जो राज्य के लिए बेहतरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसे आगे लेकर जाएंगे, और साथ ही साथ जो एक लक्ष्य था पुराना और जो पुराने नारे थे कांग्रेस के, जय जवान जय किसान का, उसको भी साकार करेंगे। सहयोगी अभय के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची।